लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि भाई आई एम कम्प्लीटली स्टक, और जो है मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। मेरा एक दोस्त है, तो न्यू ईयर्स पे मेरी उससे बात नहीं हुई। मतलब अब बढ़िया दोस्त है, क्योंकि मेरे को पता था कि हर न्यू ईयर्स पे उससे बात होगी होगी, मतलब जो है कुछ ना कुछ, मतलब न्यू ईयर्स वगैरह और जो है क्या कुछ चल रहा है, थोड़ी बहुत बातचीत होगी। पर इस बार जो है मतलब कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई हुआ क्या, मतलब सब सही तो है? तो कहता कि मुझे लग रहा है कि मैं इस टाइम पे ना लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बाकियों को देख रहा हूँ, जो है हर कोई कुछ ना कुछ बढ़िया करने लग रहा है, और मैं जो है इस जॉब में फंसा हुआ हूँ, मैं इस जगह में फंसा हुआ हूँ, और जो है मेरी जो है कोई बढ़िया सी जो है लड़की से ब्याह वगैरह नहीं, बढ़िया का मतलब क्या, कोई डिसेंट छोरी। अब मेरे को इंडिया में क्या लगता है कि जो सारे के सारे जो ड्रामा होते हैं ना, जो 7 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक जो सारी के सारे भाई अंकल आंटी बैठ के जो देखते हैं, उसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। और मेरे को लगता है कि लड़कियों में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जो सास बहू वाला ड्रामा चलता है सारा का सारा पूरे टाइम, उनको लगता है कि भाई ज़िंदगी में एक यही चीज़ बच रही है। और जो है ये सीरियल्स मेरे को बहुत खास इसलिए कि लगता है कि भाई हमेशा कुछ ना कुछ मतलब पीछे से कोई ना कोई छुरा लेके आ रहा होगा घोंपने के लिए, कोई ना कोई प्लान बना रहा होगा पूरे टाइम कि भाई इस आदमी के साथ क्या करना है, इस आदमी के साथ क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें मेरे को जो है बहुत वाहियात लगती हैं। हमारी जनरेशन ने ये जो सारे के सारे ड्रामा बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो हर एक को लगता है कि भाई उसके पीछे से जो है कुछ ना कुछ बात चलने लग रही है। और मेरा मानना है कि इंडिया में इस टाइम पे कोई बढ़िया लड़की ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है बढ़िया लड़कियां हैं, पर भाई बढ़िया लड़कियां नॉर्मल लोगों को मिले उसके चांसेस बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि भाई लड़कों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली होती है, क्योंकि लड़कों का क्या सिस्टम होता है कि भाई जब तक तुमने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, जब तक तुम्हारी कोई बढ़िया जॉब नहीं लगी, कोई बढ़िया सी जो है, अब इंडिया में और क्या ऑन टॉप क्या एडिशनल प्रेशर रहता है कि भाई अगर तुम किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, ठीक है IIT वगैरह से नहीं पढ़े, तुम जो है UPSC वगैरह में नहीं लगे हुए, तो जो है मतलब चांसेस जो है डिक्रीज होते जाते हैं। और ये बहुत दुखदाई सिचुएशन है, मतलब यार क्योंकि जनता इतनी ज़्यादा है, हर एक तो कोई IPS नहीं बन सकता, हर एक तो कोई जो है अपना UPSC में नहीं जा सकता, हर एक IIT में नहीं जा सकता। जिसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई तुम अपना 10% लोगों को पकड़ो, 1% लोगों को बढ़ो, उनको जो है सारी की सारी चॉइस है, उनके साथ जो है सारी लड़कियां ब्याह करना चाहती हैं, और बाकी 99% के लिए जो है मतलब कोई होप है ही नहीं। ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से दिखाई देती है कंपेयर टू बाकी देशों में। बाकी देशों में जो है एक आदमी की खुद की पर्सनैलिटी का भी मतलब बहुत अंतर होता है, तो वहाँ पे लोग ये सारी चीज़ों को कम देखते हैं। यार मतलब देख बाहर अगर तुम लोग देखोगे, इतना कॉमन होता है कि मतलब कोई पेंटर है जो है अपना पेंटर जो है बढ़िया बातचीत कर सकता है, बढ़िया जो है अच्छा आदमी है, लोगों से ढंग से बात कर सकता है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तो कौन से प्रोफेशन में बाहर जाके। और ये मेरे को जो है सबसे मतलब सरप्राइजिंग चीज़ लगी इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में तो भाई जो तेरी जॉब है वही तेरी जो है सारी की सारी आइडेंटिटी है, जो जो है तू यूनिवर्सिटी में गया वो तेरी सारी आइडेंटिटी है। सबसे पता है मजाक की बात क्या है, जब मेरी किसी भी इंडियन से बात होती है बाहर आके भी, तो सबसे पहले क्या करते हैं वो कि मतलब एक बाहर देशों में लोग अपना नाम बताते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। बस इंडियंस को मिलता हूँ मैं, सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि भाई तुम काम क्या करते हो और जो है कौन सी जो है पोजिशन में, ये सब कुछ करके। तो ये चीज़ जो है बहुत कल्चरल चीज़ है, ठीक है? तो अगर खासकर मैं इस वीडियो में लड़कों से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आदमी होना भी कोई आसान चीज़ नहीं है, आदमी होना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि तुम अपनी सेल्फ वर्थ खुद से बना रहे होते हो, तुम उसके लिए मेहनत कर रहे होते हो। लड़कियों के लिए क्या होता है कि भाई दैट इज़ द मोर डिज़ायरेबल सेक्स, मतलब जो है सारे के सारे अपना वहाँ पे जाना चाहते हैं, लड़कियों से जो है पूछना चाहते हैं, उनकी जो है वैल्यू ज़्यादा रहती है, लड़के जो है लड़के ढूंढ रहे होते हैं, इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है? तो लड़कों को जो है अपना सारा का सारा ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं खुद से, तभी उनकी वैल्यू बनती है। लड़कियों की क्या है इनहेरेंट वैल्यू है कि मतलब यू नीड देम टू हैव अ फैमिली, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर तुम एक सिचुएशन में हो, ठीक है, तुम एक सराउंडिंग में हो, तुम्हें वो सराउंडिंग में चीज़ें समझ नहीं आ रही, ये वो एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसमें तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आगे रह के मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वही मोमेंट ऐसा होता है जहां पे तुम्हें सही में ड्रास्टिक डिसीजन लेना पड़ता है, बोलना होता है कि भाई ठीक है भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे जो है एक ना एक चीज़ फिगर आउट करनी है, किस हिसाब से मैं अपना बाहर जाऊँ, किस हिसाब से लोगों से मिलना स्टार्ट करूँ, किस हिसाब से किसी और देश में जाके जो है अपनी खुद की लाइफ बिल्ड करना स्टार्ट करूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे उसके बाद क्या होगा कि सारी ज़िंदगी हर साल हर न्यू ईयर्स यही चीज़ें दिमाग में आएंगी, और पूरे टाइम यूँ लगेगा कि यार इसका मतलब क्या है, ज़िंदगी का क्या सेंस बन रहा है, अगर मेरे को जो है सेम काम करना है, जब मैं किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जा रहा हूँ जो है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन
कोई लड़की जो है इंटरेस्टेड नहीं है, अब कोई लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, ये थोड़ा कि भाई तेरा फॉल्ट है मतलब पूरे टाइम, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सराउंडिंग्स खराब है, तब सेंस बनता है कि भाई अपना सराउंडिंग चेंज करो, ठीक है। इंडिया में इन सारी चीज़ों की मतलब जो है अजीब ही वैल्यू है। मतलब मेरे को तो बाहर आके किसी ने नहीं पूछा, मेरे को तो लीला ने नहीं पूछा भाई तू जो है कौन सी पोजीशन पे। उस टाइम पे तो मैं कुछ पैसे भी नहीं कमा रहा था, इंटर्नशिप में था मैं, और जो है इंटर्नशिप में जाकर बातचीत करनी स्टार्ट हुई। और यहाँ पे तो मतलब बहुत बहरा सा होता है कि यार डायरेक्टली अगर तू तेरे पास बढ़िया जॉब नहीं है तो जो है तेरे से ब्याह करके क्या करें। जब अलीना और मैंने ब्याह किया, हम तो मतलब स्टूडेंट्स हैं ना दोनों, तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार बाहर में लोगों में बहुत अलग अंतर होता है। बाहर लोगों को लगता है कि अगर आदमी एम्बिशियस है, अगर इसके कुछ ना कुछ प्लान्स हैं या अगर कुछ कर सकता है तो ये कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी बढ़िया होना चाहिए। और अपना अपने देश में क्या है, अपने देश में सिस्टम बैठता है कि मतलब इसने जो है पहले क्या कुछ काम कर रखे हैं, पहली कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में गया हुआ है, पहली कौन सी कंपनीज में काम किया हुआ है और अब कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। इस चीज़ का मेरे को बहुत अंतर लगता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मतलब जो है मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा, ठीक है यार। बाहर निकलने वाला कोई, किसी ने तुम्हारे हाथ पैर थोड़े बांध रखे हैं? कोई जो मेरे को ये बात बोलता ना कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरे पास जो है ऑप्शन ये नहीं है वो नहीं है, भाई मैंने, मेरा एक दोस्त था जिसकी मैंने मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट किया था, वो भिवानी के एक छोटे से गांव से था, ठीक है। और भिवानी के छोटे से गांव से कोई मतलब ऐसी, इसने बीटेक वगैरह नहीं कर रखी जो जो है इसको प्रोग्राम वगैरह आसानी से मिल जाए जर्मनी में, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से बीएससी कर रखी थी इसने, और उसके बाद जो है किसी स्कूल में पढ़ाने लग रहा था। इसने भी पूरी मेहनत करके अपना खुद का जो है प्लान वगैरह बना के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और कहता जो है मैं इस चीज़ में कब तक बना रहूँगा, ठीक है। और अपना गाँव से आने के बाद जो है इतने सारे काम खुद से करना, इन्फॉर्मेशन खुद से ढूंढना और उसके बाद अप्लाई करना, ये तो मतलब कमाल की चीज़ है। और अभी जो है बढ़िया तरीके से बर्लिन में रह रहा है, बढ़िया अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और जो है मतलब अगर अब वहाँ की उसकी ज़िंदगी पहले कंपेयर करोगे और यहाँ की कंपेयर करोगे, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। ये तो मतलब सारे के सारे जो मेंटल ब्लॉकेट्स हैं ना, ये तुमने खुद से बना रखे हैं। जब तक किसी आदमी ने तुम्हें मतलब बांध नहीं रखा ना किसी पोल से, जब तक बांध नहीं रखा, हाथ पैर कस के नहीं बांध रखे, तब तक तुम हर कहीं जगह से मूव कर सकते हो, ठीक है। चाहिए क्या होता है, ठीक है, बहुत बहुत लोग बोलते हैं यार पैसे वगैरह क्या करें, पैसों का क्या करोगे, लोन कंपनीज इसलिए हैं, ठीक है, या फिर अपना जो है लोन नहीं लेना तो अपना यार 2-3 साल दबा के काम कर लो, 2-3 जो है अपना चीज़ें साइड में कर लो, कितनी सारे लोग करते हैं। पता नहीं मेरे को क्या लगता है कि कितना ज़्यादा अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ में प्ले करता है कि हमें कोई प्रॉब्लम जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तब लगता है कि भाई इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, पर सोल्यूशन हर चीज़ का है। मतलब अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई मेरे को अब सारी चीज़ें पता है, भाई मैं भी तुम्हारी सिचुएशन में था, मैंने भी मतलब 100 गलतियाँ करें, 100 मतलब बकवास काम किए मैंने भी, और जो है उसके बाद हर एक ख़राब काम कर करके तब चीज़ें समझ आती हैं कि यार ये जो है बढ़िया कर सकता था, ये और बढ़िया कर सकता था, यहाँ पे ये चीज़ ठीक हो सकती थी। अब मैं ऑलमोस्ट 30 साल का होने वाला हूँ, तो मेरे को, मैंने थोड़ी दुनिया देख रखी है, ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बस और तो कुछ नहीं था, मतलब सबसे पहले तो लड़कियों का छोड़ना स्टार्ट करो। मतलब मेरे को लगता है कि मतलब मैं अपने बैच की बात करूँ ना, हमारे जो है सिविल इंजीनियरिंग की बैच की डिक्रेस्ट में, मतलब उन हमारे बैच में एक लड़की नहीं थी जिसको मैं ये सोचता कि भाई हाँ ये लड़की बहुत बढ़िया थी, इससे मैं ब्याह करूँगा और जो है इसके बाद सारी ज़िंदगी बढ़िया निकलेगी, नहीं, एक भी नहीं थी मेरे स्कूल में, एक भी लड़की नहीं थी जिसको मेरे को लगता भाई मैं इससे ब्याह करूँगा और जो है ज़िंदगी बढ़िया निकलेगी और जो है ये खुद की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन होगी और जो है मतलब मेरे को जो है कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी या फिर मतलब शी विल नॉट बी अ लायबिलिटी ऑन मी। पर बाहर आके मतलब लक की बात या जो भी था कि मतलब अलीना ऐसी मतलब बराबर लेवल की पार्टनर है कि मतलब अगर मैं आधा काम कर रहा हूँ तो ये आधा काम कर रही है, अगर मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है तो ये जो है सेम लोड लेके उस डायरेक्शन में जा सकती है। और इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो भी चीज़ हम ज़िंदगी में करना चाह रहे थे वो हम 2 गुनी स्पीड से कर पाए, ठीक है। अगर ऐसा होता ना कि भाई मतलब किसी ऑफिस में जाना है, वो कह रही भाई नहीं मैं नहीं जा सकती अकेली, मेरे को जो है किसी के साथ जाना है, ये है वो है, ये काम चलते रहते तो यार ज़िंदगी में कुछ नहीं निकलता, ठीक है। तो अगर तुम्हें जो है लड़कियों वगैरह की दिक्कत है, सबसे पहली बात तो मेरे को लगता है लड़कियाँ इंडिया में ढूंढना, उनसे मिलना ज़्यादा मुश्किल है, बाहर आओगे तो लोग ज़्यादा ओपन है, ठीक है, तुम्हें चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि तुम किसी न किसी बढ़िया पार्टनर को ढूंढ पाओ, मिल पाओ, उनसे जो है बातचीत कर पाओ और जो है अपनी फैमिली स्टार्ट कर पाओ। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट की, इंडिया में जैसे हिसाब के वर्किंग कल्चर है, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो बाहर के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फंसे हुए हो जो भी है यार, मतलब एक बात बताओ, अगर तुम बाहर पढ़ने भी नहीं आना, यूँ करो 2 हफ्ते की एक बार छुट्टी मार के देख लो देश कैसा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा क्या है, तो अपना एक बार देश का पता चल जाएगा, वहाँ पे रहने का मन करेगा नहीं करेगा, ठीक है। और जब देख लोगे उसके बाद पढ़ाई करने में भी क्या जा रहा है, पढ़ाई करने के
पढ़ाई करोगे तो अपस्किल करोगे अपने आप को, तो अपना वो कर सकते हो, और उसके बाद जो है उसके बाद जॉब ढूंढ सकते हो। अगर वो भी नहीं करना, डायरेक्टली जॉब ढूंढनी है इंडिया से, वो भी कर सकते हो, उसके लिए जर्मन सीखो। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बोल रखी हैं, पर भाई मेरे ख्याल से तब तक बातें दिमाग में नहीं घुसती जब तक मैं हिंदी में नहीं बोलता। इस चीज़ को थोड़ा फॉलो करो, ठीक है लोगों के 100 ओपिनियन होंगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इस बात पर मेरा ये मानना है, अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता तो मैं तुम्हें यही जो है एडवाइस दे रहा होता। मैं अपने छोटे भाई को भी ये एडवाइस देता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको, मैं कह रहा अगर तेरा कनाडा में मन नहीं लग रहा जो कुछ भी है, खैर उसको बहुत स्वाद आ रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहा है पूरे स्वाद में कर रहा है, पर मेरे को ये दिखता है उसमें हमेशा कि ये और ज़्यादा काम कर सकता है, और बढ़िया काम कर सकता है। और मेरे को लगता है कि कनाडा ऐसा देश है यार जहाँ पे मतलब सर्दी इतनी है पूरे टाइम, मतलब वहाँ पे जाके तुम लोग क्या ही करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस टाइम पे जर्मनी या डेनमार्क में होता तो मैं ना तो ये तेरी स्टोरीज लॉन्च करता, फास्ट जर्मन जो स्टोरीज लॉन्च करी हमने 1 जनवरी को, क्योंकि और ना जो है हम बॉक्सिंग वगैरह करते, ना जो है अपना वेट लॉस करते, ना जो है मैं रशियन सीखनी स्टार्ट करता। क्यों यार, सर्दियों में जो है बहुत बार ऐसा होता है कि सूरज नहीं निकल रहा, बारिश हो रही है पूरे टाइम, जो है मौसम डिप्रेसिंग है। अब तुम देख रहे होगे इंडिया में, मेरे मम्मी पापा दिखा देते आज कैसा मौसम हो रखा है कुरुक्षेत्र में, कम से कम जो है बिल्कुल जो है बाहर फॉग हो रखा है, जो है मतलब धूप नहीं निकल रही है इस कुछ करके। तो अब ऐसे मौसम में काम करने का मन करता नहीं करता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही सर्दियाँ होती हैं हम सोचते हैं कि कौन से बढ़िया देश में जाएँ जहाँ पर मौसम बढ़िया हो ताकि जो है हम बढ़िया तरीके से काम कर पाएँ। अब ये सोच के देखो यार, हम थाईलैंड में आने के बाद हमने बॉक्सिंग सीखी, मैंने 11 किलो वज़न कम किया, अब जो है हम सिंगापुर में आए हुए हैं, और जो है इस टाइम पे हमने जो है अपना फास्ट जर्मन जो है स्टोरीज लॉन्च करी तुम्हारी, मैंने रशियन सीखनी स्टार्ट करी, ये सारे के सारे काम यूँ सोच के देखो 4 हफ्ते में किए मैंने, ठीक है। रशियन इतने के मतलब मेरे को थोड़े बहुत जो है शब्द समझ आने लग गए, 30 के करीब मैंने क्लासेस लगी, और मेरे ख्याल से 30 ही घंटे के करीब मैंने खुद से टाइम लगाया, तो 60 घंटे के करीब टाइम लगा चुका हूँ, तो इसका मतलब A1 का आधा के करीब हो चुका है एक महीने में, ठीक है। और अगर मैं जर्मनी में होता, डेनमार्क में होता, कनाडा में होता, तो नहीं होता। तो जब भी तुम्हें लगता है ना यार ऐसी स्टेज पे आने की कोशिश करो, देख हर एक आदमी ना स्टेजेस से निकलता है। मैं ये सारे काम मैं स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं कर सकता था ना, मैं तो ये नहीं बोल सकता था कि भाई स्टूडेंट लाइफ में जो है मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ पे रहने का, और जो है बहुत डिप्रेसिंग हो रहा है, और जो है मैं अब सिंगापुर जा रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं है ना। मैं भी ये सारी स्टेजेस से निकला था, मैं भी ऐसी स्टेजेस से निकला था जहाँ पे जो है मेरे पास मूवमेंट की फ्रीडम नहीं थी, अब जो है हमारे पास मूवमेंट की फ्रीडम है। वो कैसे आती है, जब तो है तुम अपना ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, ये सारी की सारी चीज़ें। अब मैं अपने दोस्तों से, मतलब यहाँ पे दो अमेरिकन दोस्त थे हमारी, उनसे बातचीत हुई जिनको हम बॉक्सिंग कैंप में मिले थे, अब वो भी जो अपना छोटा साइड बिजनेस कर रहा है साइड में, और जो अपना मेन जॉब कर रहा है, और जो है कहीं भी घूम रहा है। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें मतलब खुद से एक बार मतलब स्टेजेस आती हैं लाइफ में, वो भी 28 साल का, मैं भी 28 साल का हूँ। अब हम जब 21 साल के होते हैं और जो है हम अपनी लाइफ बिल्ड करना चाह रहे होते हैं तो चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि भाई पढ़ना होता है, और जो है बढ़िया तरीके से मार्क्स वगैरह चाहिए होते हैं, यूनिवर्सिटी में जाना होता है, और जो है अपना ये सारे के सारे काम करते करते हो जाते हैं भाई 23 साल के हो जाते हो, 24 साल के हो जाते हो, उसके बाद लाइफ स्टार्ट होती है एक तरीके से। उसके बाद भी जो है अगर तुम अपना प्रॉपर कंपनीज में अगर 2-3 साल तो लगेंगे तुम्हें मतलब बढ़िया से लेवल पर आने के लिए। जो कुछ भी तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें किसी ठीक डायरेक्शन में लीड कर रहा है नहीं कर रहा, जो भी तुम एक्शन ले रहे हो इस टाइम पे वो किसी बढ़िया डायरेक्शन में तुम्हें लीड कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो यार अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे उसके ऊपर। बस यही था, और कुछ होगा सवाल जवाब पूछ लेना कमेंट्स में।